गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th. नाउ वी आर इन चैप्टर नंबर 1 एंड वी आर सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 4. हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. बच्चों हमने पहले वीडियो जो मैंने भेजा था उसमें आपको समझाया था कि रूट टू को किस तरह से लोकेट किया जाता है. आज इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ आपका टेक्स्ट बुक है जो NCERT की इसकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 4 नॉट एक्सरसाइज बट इज एग्जाम्पल नंबर 4 रूट 3 को किस तरह से नंबर लाइन पर लोकेट किया जा सकता है. अगेन रूट 3 इरेशनल नंबर है. तो सबसे पहले मैंने जो समझाया कि अगर आपके पास कोई भी इरेशनल नंबर आए तो सबसे पहले उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा. तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके रखा है कि रूट 3 को अगर मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो 1.73 उसका डेसिमल फॉर्म है. नाउ अभी आपको 1.73 याद रखना है. और मैंने जब बताया था इससे पहले वीडियो में जब मैं रूट 2 लोकेट कर रहा था कि आपको डेसिमल पॉइंट के पहले का जो नंबर है उसको दिमाग में रखना है. तो यहाँ पे भी डेसिमल के पहले का नंबर 1 ही है, राइट? अच्छा, वो करने के बाद आप क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका आप नाम दे दीजिए, ए बी, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ए बी दिया है. फिर इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक छोटा सा पॉइंट लोकेट कर दीजिए और उसको नाम दे दिया ओ. अब आपको क्या करना है कि आपका पॉइंटर ओ पर रखिए और फिर कोई भी एक यूनिट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कोई एक यूनिट आप चूज़ कर सकते हो, सेंटीमीटर लो तो भी चलेगा, इंच लो तो भी चलेगा, आप फुट लो तो भी चलेगा. कितनी बड़ी नंबर लाइन आपको दिखानी है, कितना बड़ा लोकेशन दिखाना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. जैसे कि आप नोटबुक में दिखा रहे हो तो आप सेंटीमीटर या इंच ले सकते हो, दैट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल. तो आपने यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे एक इंच लिया है. एक इंच इसलिए लिया, फिर से याद दिला दूँ कि क्योंकि डेसिमल फॉर्म 1.73 है, पॉइंट के पहले का जो फिगर होता है उतना इंच मुझे यहाँ लेना होता है. तो यहाँ पे फिर से 1.73 में 1 है इसलिए मैंने 1 इंच लिया. अब 1 इंच मैंने यहाँ पे रखा और फिर यहाँ पे 1 इंच का मेज़रमेंट लेकर ए बी को कट करता हुआ मैंने एक छोटा सा आर्क बनाया और वहाँ पे नाम दे दिया एक्स. अब इतना मेज़रमेंट लेने के बाद मैंने ए एक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की 1 इंच की. यहाँ 1 है तो यहाँ तो कंपलसरी 1 ही आएगा. तो जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई मैंने एक्स पी, देखो आप पॉइंट पी देख रहे हो अभी जहाँ पे मेरा फिंगर है, वो एक्स पी परपेंडिकुलर लाइन बनाई, वो भी 1 इंच की ही है. तो यहाँ भी 1 इंच, यहाँ भी 1 इंच. इसके बाद आप ओ पी को ज्वाइन कर लीजिए जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ज्वाइन करवाया था आपको जब मैं रूट 2 लोकेट कर रहा था, उसी तरह सेम प्रोसीजर है. अभी तक जो स्टेप दिखा रहा हूँ मैं वही स्टेप है जो रूट 3 का मैं कर रहा था. तो ओ पी को ज्वाइन कर दिया. अब ओ पी को ज्वाइन करने के बाद जो पाइथागोरस थ्योरम मुझे अप्लाई करना है, तो बच्चों अब मैं ये जो बन रहा है ना ओ पी और एक्स आपका, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. यहाँ पे मैं फिर से आपको ये इसको डार्क करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये आपका बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आपका राइट एंगल का कोना बना, उसका ठीक ऑपोजिट साइड है ओ पी जिसको मैं हाइपोटेन्यूस साइड कहूँगा. तो हाइपोटेन्यूस साइड की जब बात आती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को याद करेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है. तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ फिर से. तो मेरा हाइपोटेन्यूस साइड जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको LHS साइड रखता हूँ, तो ओ पी स्क्वायर बना ओ एक्स स्क्वायर, जो मेरा 1 इंच लिया था मैंने ओ एक्स को उसका भी स्क्वायर प्लस ओ पी का भी स्क्वायर. ये प्रोसीजर सेम टू सेम प्रोसीजर है जो मैंने रूट 2 में आपको करवाई थी. अब हम क्या करेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर लिया तो 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 स्क्वायर इज़ 1, मतलब आपको ओ पी स्क्वायर जो है वो 1 प्लस 1 मतलब 2 ही हुआ, राइट? लेकिन मुझे रूट 2, तो ये तो रूट 2 हुआ लेकिन मुझे रूट 2 लोकेट नहीं करना है, मुझे रूट 3 लोकेट करना है. तो फिर मुझे क्या करना चाहिए,
तो फिर मैं एक और काम करूंगा यहाँ पे कि जो ओपी लाइन है उसको, वो मेरी लाइन, अब ये मेरी सीधी लाइन है, जैसे ए बी थी ना, इसी तरह मैं ओ एन करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा एकदम सीधी। इसी रेखा को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हो मैंने इसको आगे बढ़ाया है। हाँ, यहाँ से ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से देखिए। अब मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, इस लाइन को आप ओ पी लाइन को एंड तक आगे खींच लीजिए। इसके बाद ये भी आपका जो लाइन है ओ एन, उस लाइन से ठीक परपेंडिकुलर लाइन, ये अभी मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, एकदम परपेंडिकुलर लाइन 1 सेंटीमीटर की ही, सॉरी 1 इंच की, क्योंकि मैंने यहाँ इंच लिया है, यहाँ भी इंच लिया है, तो हर जगह पर इंच ही लीजिए। जो एक फिक्स यूनिट जो आपने लिया है वही आपको बनाए रखना है थ्रू आउट द सम, रिमेंबर। तो मैं यहाँ पे ओ पी, पी के ऊपर से बिल्कुल इस लाइन से, ओ एन लाइन से परपेंडिकुलर लाइन 1 इंच की ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ की हुई है, लेकिन मैं डार्क करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया, अब ये भी 1 इंच हुआ, तो ये भी 1 इंच का मेजरमेंट हो गया। अब आप फिर से अपना पॉइंटर है वो ओ पर ले जाइए, इसको एक्सटेंड कीजिए, जो लाइन 1 इंच की पूरी होती है वहाँ पे, वहाँ पे मैंने नाम दे दिया है एल, और एल से आप अपना राउंडर उस पॉइंट को छूता हुआ इस लाइन को कट करके, जो ओरिजिनल पहले मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक ले जाइए, और यहाँ पे कट कीजिए जहाँ पे देखो मेरा राउंडर चल रहा है, और ये जो पॉइंट हुआ जहाँ पे वो इंटरसेक्ट या कट हो रही है ए बी पर, दैट वट पर्टिकुलर पॉइंट है वो आपका पॉइंट सी नाम दिया है मैंने, और ये जो पॉइंट है वो आपका 1.73 है। तो जो इरेशनल नंबर रूट थ्री है वो 1.73 यहाँ पे लोकेट हो गया इस नंबर लाइन ए बी पर, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दिया। लेकिन अब मुझे आपका जो ये ओ एल है, मैंने यहाँ पे एल नाम दिया था, वो ओ एल लाइन इज़ योर रूट थ्री, अब वो भी मुझे साबित करूँगा मैं पाइथागोरस से ही। अब बच्चों जो ओ एल है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये डार्क लाइन मैं दिखा देता हूँ ज्वाइन करके आपको ओ एल, हाँ अब ये एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल भी आप देख रहे हो जो ओ एन पर क्रिएट हुआ है, पहले ओ बी पर एक राइट एंगल बना था, अब ये राइट, इस नज़रिए से देखना आपको कि ये आपकी लाइन है ओ एन, उसके ऊपर एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूंगा, तो ओ एक्स एल उनको मुझे देखना है। अब मैं, हमारा जो ये ऑलरेडी ओ एक्स तो 1 स्क्वायर था ही, मैंने पहले बता दिया था यहाँ पे, इसका भी मैंने बता दिया था कि 1 स्क्वायर है, और 1 स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पे सीधा ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 बार 1 स्क्वायर हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बरोबर, जो आप फिगर पे क्लियरली देख रहे हो। अब ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का तो आंसर 1 होता है और 1 होता है तीनों में, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बना आपका 3, तो ओ एल स्क्वायर बराबर हुआ 3। अब मुझे ओ एल चाहिए, ओ एल स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए स्क्वायर को मैं यहाँ हटाऊँगा, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्वायर को यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे मुझे रूट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो मेरा ओ एल जो होगा वो रूट थ्री बन गया, तो ओ एल रूट थ्री बन गया, और रूट थ्री जो ओ एल यहाँ पे हो रहा है वहाँ से ठीक मैंने राउंडर इस पॉइंट को छूता हुआ यहाँ पे कट किया, तो 1.73 मिल गया। दिस इज़ हाउ वी हैव लोकेटेड रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। बच्चों यहाँ पे कोई भी आपको इरेशनल नंबर दो, इस मेथड से ही आप सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है उसका ध्यान रखना है, दूसरा आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है उसको भी याद रखना, साइड में वो कैलकुलेशन आप दिखा भी सकते हो, तो फिर आपका जो लोकेशन है जो आपको डेसिमल फॉर्म दिखाना है, या तो जो भी रूट
या जो भी इरेशनल नंबर आप दिखाना चाहते हो वो बहुत ही क्लियरली दिखा सकते हो। अगर आपको कोई फिर भी डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th। नाउ वी आर इन चैप्टर नंबर 1 एंड वी आर सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 4। हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बच्चों हमने पहले वीडियो जो मैंने भेजा था उसमें आपको समझाया था कि रूट टू को किस तरह से लोकेट किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका टेक्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी की इसकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 4, नॉट एक्सरसाइज बट इज एग्जाम्पल नंबर 4, रूट 3 को किस तरह से नंबर लाइन पर लोकेट किया जा सकता है। अगेन रूट 3 इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैंने जो समझाया कि अगर आपके पास कोई भी इरेशनल नंबर आए तो सबसे पहले उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके रखा है कि रूट 3 को अगर मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो 1.73 उसका डेसिमल फॉर्म है। नाउ अभी आपको 1.73 याद रखना है। और मैंने जब बताया था इससे पहले वीडियो में जब मैं रूट 2 लोकेट कर रहा था कि आपको डेसिमल पॉइंट के पहले का जो नंबर है उसको दिमाग में रखना है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के पहले का नंबर 1 ही है, राइट? अच्छा, वो करने के बाद आप क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका आप नाम दे दीजिए, ए बी, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ए बी दिया है। फिर इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक छोटा सा पॉइंट लोकेट कर दीजिए और इसको नाम दे दिया ओ। अब आपको क्या करना है कि आपका पॉइंटर ओ पर रखिए और फिर कोई भी एक यूनिट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई एक यूनिट आप चूज़ कर सकते हो, सेंटीमीटर लो तो भी चलेगा, इंच लो तो भी चलेगा, आप फुट लो तो भी चलेगा। कितनी बड़ी नंबर लाइन आपको दिखानी है, कितना बड़ा लोकेशन दिखाना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि आप नोटबुक में दिखा रहे हो तो आप सेंटीमीटर या इंच ले सकते हो, दैट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल। तो आपने यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे एक इंच लिया है, एक इंच इसलिए लिया फिर से याद दिला दूँ कि क्योंकि डेसिमल फॉर्म 1.73 है, पॉइंट के पहले का जो फिगर होता है उतना इंच मुझे यहाँ लेना होता है। तो यहाँ पे फिर से 1.73 में 1 है इसलिए मैंने 1 इंच लिया। अब 1 इंच मैंने यहाँ पे रखा और फिर यहाँ पे 1 इंच का मेज़रमेंट लेकर ए बी को कट करता हुआ मैंने एक छोटा सा आर्क बनाया और वहाँ पे नाम दे दिया एक्स। अब इतना मेज़रमेंट लेने के बाद मैंने ए एक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की 1 इंच की। यहाँ 1 है तो यहाँ तो कंपलसरी 1 ही आएगा। तो जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई मैंने एक्स पी, देखो आप पॉइंट पी देख रहे हो अभी जहाँ पे मेरा फिंगर है, वो एक्स पी परपेंडिकुलर लाइन बनाई, वो भी 1 इंच की ही है। तो यहाँ भी 1 इंच, वहाँ भी 1 इंच। इसके बाद आप ओ पी को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ज्वाइन करवाया था आपको जब मैं रूट 2 लोकेट कर रहा था, उसी तरह सेम प्रोसीजर है। अभी तक जो स्टेप दिखा रहा हूँ मैं वही स्टेप है जो रूट 3 का मैं कर रहा था। तो OP को ज्वाइन कर दिया। अब OP को ज्वाइन करने के बाद जो पाइथागोरस थ्योरम मुझे अप्लाई करना है, तो बच्चों अब मैं ये जो बन रहा है ना OP और X आपका, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे मैं फिर से आपको ये इसको डार्क करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये आपका बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आपका राइट एंगल का कोना बना, उसका ठीक ऑपोजिट साइड है OP, जिसको मैं हाइपोटेन्यूज साइड कहूँगा। तो हाइपोटेन्यूज साइड की जब बात आती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को याद करेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ फिर से। तो मेरा हाइपोटेन्यूज साइड जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको LHS साइड रखता हूँ, तो ओ पी स्क्वायर बना ओ एक्स स्क्वायर, जो मेरा 1 इंच लिया था मैंने ओ एक्स को, उसका भी स्क्वायर प्लस ओ पी का भी स्क्वायर। ये प्रोसीजर सेम टू सेम प्रोसीजर है जो मैंने रूट 2 में आपको करवाई थी। अब हम क्या करेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर लिया तो 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 स्क्वायर इज़ 1, मतलब आपको OP स्क्वायर जो है वो 1 प्लस 1 मतलब 2 ही हुआ।
राइट लेकिन मुझे रूट टू, तो ये तो रूट टू हुआ, लेकिन मुझे रूट टू लोकेट नहीं करना है, मुझे रूट थ्री लोकेट करना है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर मैं एक और काम करूँगा यहाँ पे कि जो ओ पी लाइन है उसको, वो मेरी लाइन, अब ये मेरी सीधी लाइन है, जैसे ए बी थी ना, इसी तरह मैं ओ एन करके एक लाइन ड्रॉ करूँगा एकदम सीधी। इसी रेखा को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हो मैंने इसको आगे बढ़ाया है। हाँ, यहाँ से ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से देखिए। अब मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, इस लाइन को आप ओ पी लाइन को एन तक आगे खींच लीजिए। इसके बाद ये भी आपका जो लाइन है ओ एन, उस लाइन से ठीक परपेंडिकुलर लाइन, ये अभी मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, एकदम परपेंडिकुलर लाइन 1 सेंटीमीटर की ही, सॉरी 1 इंच की, क्योंकि मैंने यहाँ इंच लिया है, यहाँ भी इंच लिया है, तो हर जगह पर इंच ही लीजिए। जो एक फिक्स यूनिट जो आपने लिया है वही आपको बनाए रखना है थ्रू आउट द सम, रिमेंबर। तो मैं यहाँ पे ओ पी, पी के ऊपर से बिल्कुल इस लाइन से, ओ एन लाइन से परपेंडिकुलर लाइन 1 इंच की ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ की हुई है, लेकिन मैं डार्क करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया, अब ये भी 1 इंच हुआ, तो ये भी 1 इंच का मेजरमेंट हो गया। अब आप फिर से अपना पॉइंटर है वो ओ पर ले जाइए, इसको एक्सटेंड कीजिए, जो लाइन 1 इंच की पूरी होती है वहाँ पे, वहाँ पे मैंने नाम दे दिया है एल, और एल से आप अपना राउंडर उस पॉइंट को छूता हुआ इस लाइन को कट करके, जो ओरिजिनल पहले मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक ले जाइए, और यहाँ पे कट कीजिए जहाँ पे देखो मेरा राउंडर चल रहा है, और ये जो पॉइंट हुआ जहाँ पे वो इंटरसेक्ट या कट हो रही है ए बी पर, दैट वट पर्टिकुलर पॉइंट है वो आपका पॉइंट सी नाम दिया है मैंने, और ये जो पॉइंट है वो आपका 1.73 है। तो जो इरेशनल नंबर रूट थ्री है वो 1.73 यहाँ पे लोकेट हो गया इस नंबर लाइन ए बी पर, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दिया। लेकिन अब मुझे आपका जो ये ओ एल है, मैंने यहाँ पे एल नाम दिया था, वो ओ एल लाइन इज योर रूट थ्री, अब वो भी मुझे साबित करूँगा मैं पाइथागोरस से ही। अब बच्चों जो ओ एल है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये डार्क लाइन मैं दिखा देता हूँ जॉइन करके आपको, ओ एल, हाँ, अब ये एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल भी आप देख रहे हो जो ओ एन पर क्रिएट हुआ है। पहले ओ बी पर एक राइट एंगल बना था, अब ये राइट, इस नज़रिए से देखना आपको कि ये आपकी लाइन है ओ एन, उसके ऊपर एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूँगा, तो ओ एक्स एल उनको मुझे देखना है। अब मैं, हमारा जो ये ऑलरेडी ओ एक्स तो 1 स्क्वायर था ही, मैंने पहले बता दिया था यहाँ पे, इसका भी मैंने बता दिया था कि 1 स्क्वायर है, और 1 स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पे सीधा ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 बार 1 स्क्वायर हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बरोबर, जो आप फिगर पे क्लियरली देख रहे हो। अब ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का तो आंसर 1 होता है और 1 होता है तीनों में, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बना आपका 3, तो ओ एल स्क्वायर बराबर हुआ 3। अब मुझे ओ एल चाहिए, ओ एल स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए स्क्वायर को मैं यहाँ हटाऊँगा, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्वायर को यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे मुझे रूट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो मेरा ओ एल जो होगा वो रूट थ्री बन गया, तो ओ एल रूट थ्री बन गया, और रूट थ्री जो ओ एल यहाँ पे हो रहा है, वहाँ से ठीक मैंने राउंडर इस पॉइंट को छूता हुआ यहाँ पे कट किया, तो 1.73 मिल गया। दिस इज हाउ वी हैव लोकेटेड रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। बच्चों यहाँ पे कोई भी आपको इरेशनल नंबर दो, इस मेथड से ही आप सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है उसका ध्यान रखना है, दूसरा आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है,
उसको भी याद रखना, साइड में वो कैलकुलेशन आप दिखा भी सकते हो। तो फिर आपका जो लोकेशन है, जो आपको डेसिमल फॉर्म दिखाना है, या तो जो भी रूट या जो भी इरेशनल नंबर आप दिखाना चाहते हो वो बहुत ही क्लियरली दिखा सकते हो। अगर आपको कोई फिर भी डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।